जय हिंद। देश में लोकसभा चुनाव का पर्व चल रहा है, लेकिन क्या ये लोकसभा चुनाव ईमानदारी पूर्वक कंडक्ट करवाया जा रहा है? मेरा जवाब है नहीं। देश के अलग अलग कोनों से कई ऐसे खबरें आ रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष के नेताओं को खरीद करके, किसी को डरा करके, किसी को धमका करके उनका नॉमिनेशन वापस करवा रही है। इस वीडियो में मैं भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के बारे में इतने कॉन्फिडेंटली इसीलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास उनका पर्याप्त सबूत है, जो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं देश के तानाशाह की पॉलिटिकल पार्टी और इनके नेताओं की पूरी कहानी सुनाने वाला हूं कि कैसे षड्यंत्र के साथ, बेमानी के साथ और छल पूर्वक ये लोकसभा चुनाव को आयोजित किया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि देश की कोई भी नेशनल मीडिया इन खबरों को आपको नहीं दिखा पाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 को जीतने के लिए देश के डिक्टेटर का डर को देखते हैं। इस षड्यंत्र की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की गढ़ यानी कि गुजरात से होती है। गुजरात में एक लोकसभा क्षेत्र है, सूरत लोकसभा क्षेत्र, जहां पर 7 मई को मतदान होने वाला था। इस लोकसभा क्षेत्र से टोटल 10 कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन दर्ज करते हैं लोकसभा चुनाव में। लेकिन आपको आश्चर्य से पता होगा, इस लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के मुकेश दलाल को बिना किसी मतदान का ही विनर घोषित कर दिया जाता है। विनर कैसे घोषित किया जाता है उसको भी समझिए। दरअसल कांग्रेस की तरफ से नीलेश कुम्हानी नाम करके एक इनके विपक्षी के रूप में सबसे मजबूत कैंडिडेट के रूप में वो खड़े होते हैं। लेकिन वहां पर पता चलता है, सूरत में पता चलता है कि जो 10 लोगों ने अपना नॉमिनेशन दर्ज किया था उसमें से 8 लोग अपने आप अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अगर किसी चुनाव में खड़े हो रहे हैं सांसद बनने के लिए, तो सांसद बनने के लिए आप अपना नाम कभी वापस लेना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे। तो कैसे नॉमिनेशन कोई व्यक्ति वापस ले सकता है अपना? ले ही नहीं सकता है। ले तभी सकता है जब उसे डराया जाए, धमकाया जाए या पैसा खिलाया जाए। 8 प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन दर्ज कर लेते हैं और कांग्रेस के जो नीलेश कुम्हानी साहब होते हैं इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन से जब ये सवाल पूछते हैं कि भाई हमारा नॉमिनेशन आप क्यों रिजेक्ट किए, इलेक्शन कमीशन जवाब देता है कि जो आपने प्रपोजल्स दिए हैं, प्रपोजल्स कहने का मतलब एक तरीके से आपके शब्द में अगर हम बोले तो गवाह हो गए। 3 लोगों का समर्थन चाहिए होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को ले जा सकते हैं, अपने परिवार का, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार का, अपने पॉलिटिकल पार्टी से 3 लोगों का समर्थन चाहिए होता है कि हाँ भाई ये सांसदी पद के लिए खड़े हो रहे हैं, इनका हम गवाही के रूप में हम नाम अपना दर्ज करवा रहे हैं। तो वही प्रपोजल्स के जो साइन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है, गलत डिक्लेयर कर देता है। लेकिन वास्तविकता में नीलेश कुम्हानी साहब कहते हैं कि ये सिग्नेचर सही थे, ये मेरे रिलेटिव के सिग्नेचर हैं, जितने भी प्रपोजर्स हैं ये मेरे रिलेटिव हैं, मेरे घर के रिश्तेदार हैं। तो ये बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि ठीक है, अगर आपके घर के रिश्तेदार हैं तो आप उन लोगों को वापस इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में लेकर के आइए, आप वहां पर दोबारा से साइन कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार से नीलेश कुम्हानी साहब अपने रिश्तेदार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि साहब आपने जो साइन किया था वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो आपको जाकर के वापस से एक बार सिग्नेचर करना होगा। इनके रिलेटिव मना कर देते हैं, बोलते हैं कि हम दफ्तर नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत में दफ्तर नहीं जाएंगे। अपने ही रिश्तेदार मना कर देते हैं। नीलेश कुम्हानी साहब बोलते हैं कि उन्हें डराया गया है, उन्हें धमकाया गया है, जिस वजह से वो दोबारा साइन करने के लिए नहीं जा रहे। अब किसी भी इलेक्शन में हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट रखता है, यानी कि किसी भी कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया तो एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट रखा जाता है कि उसके जगह कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा। तो इसी प्रकार से कांग्रेस की तरफ से नीलेश कुम्हानी के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के रूप में सुरेश पटसाला का नाम सामने आता है। सुरेश पटसाला साहब का भी सेम टू सेम इसी तरीके से नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपने भी जो 3 लोगों के साइन दिए हैं वो गलत है, इसलिए आप लोगों आपका भी नॉमिनेशन रिजेक्ट किया जाता है। इतना समय जब गुजरता है तो इलेक्शन का समय भी पूरा हो जाता है, इलेक्शन का समय पूरा हो जाता है, कोई भी इनके सामने खड़ा नहीं था मुकेश दलाल के सामने, तो मुकेश दलाल साहब जीत जाते हैं। एक षड्यंत्र से जीतने के बाद मुकेश दलाल को जो आपका सर्टिफिकेट होता है, विनिंग सर्टिफिकेट, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर जॉब देते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के जो DM होते हैं वही रिटर्निंग ऑफिसर का पद होता है उनका, तो रिटर्निंग ऑफिसर साहब इलेक्शन जीतने के बाद इलेक्शन जीतने का जो सर्टिफिकेट होता है वो मुकेश दलाल साहब को दे देते हैं और ये बिना चुनाव लड़े सूरत के सांसद हो जाते हैं और ये इनका पूरा सर्टिफिकेट है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि क्या ये फेयरफुली ये इलेक्शन हुआ? क्या फेयरफुली इन्हें सांसद बनाया गया? एक ऐसा नेता जिसका किसी के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ, जनता के लिए उसे इलेक्ट कर दिया जाता है। अब वो नेता कितना भी बड़ा घोटाला करे, कम से कम जनता के पास तो ऑप्शन रहता है कि किसी के पास अगर दो व्यक्ति अगर खड़ा है, कम से कम दो व्यक्ति खड़ा है तो उसमें से अच्छा और बुरा की समझ करके वो किसी अच्छे व्यक्ति को वोट दे। और यहां पर तो मनमर्जी तरीके से अगर कोई गलत व्यक्ति है उसे भी सूरत का
सांसद बना दिया गया। अब सूरत में विकास होगा या फिर विनाश होगा, इसके जिम्मेदार ये सांसद साहब होंगे। और सूरत के लोग ये सीधा बोलेंगे, जब नेता के पास जाएंगे मांगने के लिए कि भाई हमारा काम कर दीजिए, तो ये नेता साहब तो बोलेंगे हम तो आपसे वोट ही नहीं लिए, तो आपका काम हम काहे करेंगे, ये तो सीधा इनका कहना रहेगा। सूरत का विकास हो या ना हो, ये सीधा बोलेंगे कि हमने किसी से वोट ही नहीं लिया है तो हम कैसे विकास करेंगे। जब आम आदमी वोट देते हैं तो उनके पास ताकत होती है कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमारा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पहले बताइए। इसीलिए देश की जनता बोल रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र में खतरे की ये पहली निशानी थी। ये तो बस एक ट्रेलर है, अभी आगे देखिए कि कितने बड़े बड़े कारनामे इन लोकसभा चुनाव में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी घटना की तरफ। दूसरी घटना भी बीजेपी की गढ़ है, यानी कि गुजरात के गांधीनगर की है। वो गांधीनगर जहां से देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब खड़े हैं। अब अमित शाह इतने बड़े नेता, देश के गृह मंत्री, जिन्हें अगला प्रधानमंत्री भी बोला जाता है, ये गांधीनगर से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं, और इनके अपोजिशन में कई लोग खड़े होते हैं, लेकिन एक के बाद एक सभी लोग अपना नॉमिनेशन वापस कर लेते हैं। इन्हीं नॉमिनेशन वापस करने की कड़ी में क्षत्रिय समाज का एक व्यक्ति रहता है, जितेंद्र सिंह चौहान। इनके वीडियो को भी आप लोगों ने, इनके वायरल वीडियो को भी देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो क्षत्रिय समाज से जितेंद्र सिंह चौहान लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, सांसद के प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं अमित शाह के सामने। देखिए, गुजरात में जो क्षत्रिय समाज है वो अमित शाह से काफी नाराज है। वो क्या कारण है वो कभी मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को कवर करूंगा। बस इतना समझिए कि गुजरात के गांधीनगर से क्षत्रिय समाज अमित शाह से बहुत नाराज है, जिस वजह से क्षत्रिय समाज का ही एक प्रत्याशी जितेंद्र सिंह चौहान खड़ा होता है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी गांधीनगर की, गुजरात की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसी की तरफ से, अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से 16 अप्रैल को जितेंद्र सिंह अपना नॉमिनेशन दर्ज करवाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपना नॉमिनेशन दर्ज करवाते हैं, वो लगातार उनके फोन में धमकी आने लगती है कि अपना नाम वापस ले लो, अपना नाम वापस ले लो, अमित शाह के सामने आपको खड़ा नहीं होना है, आप अपना नाम वापस करो नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। धमकी भरे मैसेजेस इनके पास आते हैं, धमकी भरे कॉल या इनके पास आते हैं, लोग आकर के इन्हें धमकाते हैं, और यहां तक कि इनके घर जाकर के 1 करोड़ का ऑफर भी देते हैं कि 1 करोड़ रुपया आपको हम पैसा देंगे, आप अपना नॉमिनेशन वापस कर लीजिए। ये मना कर देते हैं कि भाई आप पैसा दो, चाहे जो करो, कितना धमकाओ, हम आपका अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लेने वाले हैं। अंत में जितेंद्र सिंह चौहान को गुजरात पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। क्या कारण था कुछ भी नहीं बताते, गुजरात पुलिस गिरफ्तार करती है। उसी बीच में ये अपना एक वीडियो बनाते हैं जहां पर ये रोते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है, हाईजैक कर लिया है, और हाईजैक करने के बाद मुझे जबरदस्ती अपना नॉमिनेशन वापस करने की बात कही जा रही है, मेरे जान को भी खतरा है। इस वीडियो को सबसे पहले आप देखिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। सभी देशवासियों को ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान का कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है, अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है, हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए, मुझे मार भी दिया जाए, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, इस देश को बचा लो, ये देश खतरे में है। तो वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से रोता हुआ जितेंद्र सिंह चौहान कह रहा है कि उसे जबरदस्ती नॉमिनेशन वापस करने के लिए धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और इसी के परिणाम स्वरूप 22 अप्रैल को जितेंद्र सिंह चौहान अपना नॉमिनेशन वापस ले लेता है। और जितेंद्र सिंह चौहान यह भी कहते हैं कि अमित शाह के लोग मुझे डरा करके, धमका करके, मेरे से जबरदस्ती एक और वीडियो बना है अमित शाह के फेवर में, कि जो मेरा पुराना वीडियो वायरल गया है, उस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो वीडियो हम ऐसे ही बना दिए थे, उस वीडियो में अमित शाह को हम कुछ भी नहीं कहना चाहते, उनके लोगों ने कुछ नहीं किया है, ये हमसे जबरदस्ती बुलवाया गया। जय हिंद जय भारत। जो हमारा पुराना वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और मैंने जो गांधीनगर लोकसभा से उम्मीदवारी की थी वो उम्मीदवारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी से की थी, लेकिन हमारा फॉर्म निर्दलीय स्वीकार हुआ तो उसके कारण मैंने मेरा फॉर्म वापस लिया है, और मैंने श्री अमित शाह साहब के समर्थन में भी फॉर्म वापस ले लिया है, और हमारे जितने भी समर्थक हैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि अखिल, आप सभी लोग श्री अमित शाह साहब का समर्थन करें। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी मन में डाउट होगा कि सच्चाई क्या है। जितेंद्र सिंह चौहान कहते हैं कि जबरदस्ती वो सेकेंड वीडियो हमसे बनवाया गया,
सेकंड वीडियो हम नहीं बनाते तो मेरे जान को नुकसान था, इस वजह से डर से हम वो दोबारा वो वीडियो को बनाए। और ये कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा आपसे फोन में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा फोन भी हो सकता है कि टैप हो रहा हो, तो इस वजह से हम बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप हमारे पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं उनसे बात कर सकते हैं। तो वो पत्रकार जो है अखिल भारतीय परिवार पार्टी के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको फोन करते हैं और फोन करके वो पूरा डिटेल लेते हैं, तो वो पूरा डिटेल बताते हैं कि किस प्रकार से पहली बार जितेंद्र सिंह चौहान को ऊपर प्रेशर बनाया गया, फिर प्रेशर बना के बाद उन्हें हाईजैक किया गया, किडनैप किया गया, किडनैप करने के बाद उन्हें धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, 1 करोड़ का ऑफर दिया गया और अंततः डरा कर धमका करके उनका नॉमिनेशन वापस कर दिया गया। देश के इतने बड़े मंत्री, गृह मंत्री, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्हीं की बातें हैं। आप देखिए, आप अलग अलग न्यूज चैनलों में भी ये खबर देख सकते हैं, देश की नेशनल मीडिया लेकिन आपको नहीं दिखाएगी। नेशनल मीडिया आज तक, जी न्यूज, इन लोगों के पास समय कहाँ है? आज तक जी न्यूज, एबीपी न्यूज, एनडीटीवी, सारे गोदी मीडिया है। और देखो ये सब, आपका माइंड वॉश हो रहा है। छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स को देखो, आप ज्यादा ज्ञान अर्जित कर पाओगे। इन चैनल को देखोगे, इन चैनल को बॉयकॉट करना सीखो। इन चैनल्स को देखोगे तो अपने अपनों को ही मार बैठेंगे, क्योंकि ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, देश को एक करना। या ये खबरें नहीं दिखाना चाहिए देश की नेशनल मीडिया को कि गृह मंत्री के सामने कोई खड़ा होता है तो जबरदस्ती उसे डरा कर, धमका कर, पैसे खिला करके नॉमिनेशन वापस करवाने की बात हो रही। ये डर रहता है इस वीडियो को बनाने में, ये भी डर लगता, लेकिन मेरा मानना यह है कि सच के लिए आवाज़ उठाओ तो सीना तान कर खड़े हो जाओ, चाहे सामने कितना भी बड़ा चट्टान क्यों ना खड़ा हो। सच बोलने में काहे का डर, सच को आंखों से आंख मिला करके कहो, यही एक भारतीय, यही एक असली देशभक्त की पहचान है। ये दूसरी घटना थी, आइए अब तीसरी घटना को समझते हैं। तीसरी घटना उत्तर प्रदेश की है, जहां से खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं वाराणसी लोकसभा सीट की। नरेंद्र मोदी के अपोजिट में सैकड़ों लोग अपना नामांकन दर्ज करना चाहते हैं, नॉमिनेशन दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय होने के बाद भी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता होने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी के लोग नॉमिनेशन दर्ज करने से लोगों को रोक रहे हैं। उन्हीं रोकने की कैटेगरी में एक व्यक्ति का नाम आता है, श्याम रंगीला। श्याम रंगीला के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, जो मोदी साहब की मिमिक्री करते हैं, मोदी साहब की तरह आवाज निकालते हैं। ये एक लोकप्रिय ऐसे कलाकार होते हैं जो नरेंद्र मोदी के सामने ये अभी अपना नॉमिनेशन दर्ज करना चाहते हैं। जीतने का मकसद इनका नहीं था, ये बस दिखाना चाहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, कितना है, किस तरीके से बहुत से लोगों को गलत तरीके से नॉमिनेशन भरने नहीं दिया जा रहा है। और ये आरोप लगाते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन नॉमिनेशन दर्ज करने के दरमियान जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया हमें नहीं बताती है, और जिस वजह से और एन वक्त से पहले हमें पता चलता है, सब कुछ क्लियर होता है और तब तक समय ही नहीं बचता, तो कैसे लोग अपना नॉमिनेशन दर्ज करेंगे। जब प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन दर्ज करवाने के लिए जाते हैं तो पूरा आराम से सब अलग अगल बगल का क्षेत्र पूरा खाली करके, अभी देखिए लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री भी एक आम आदमी की तरह उनको अपना नॉमिनेशन दर्ज करवाना है, लेकिन उनके लिए पूरी स्पेशल ट्रीटमेंट है, चलो उसकी हम लोग देश के प्रधानमंत्री हैं, होना चाहिए। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति उनके अपोजिशन में आ रहे, मान लेते हैं वो जीतेंगे ही नहीं, देश के इतने बड़े लोकप्रिय नेता, उनको हराना आसान नहीं है, एकदम नामुमकिन है। 4 लाख 5 लाख वोट से वो जीतेंगे इतना भी पता है, लेकिन क्यों एक अपोजिशन को रोका जा रहा है, क्यों एक अपोजिशन को, लोगों को अपना नॉमिनेशन दर्ज करने से रोका जा रहा है? क्या इसीलिए कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि मेरे सामने कोई भी एरा गेरा आकर के 1 लाख 2 लाख 5 लाख वोट ले जाए? उससे प्रधानमंत्री की जो छवि है वो धूमिल होती है कि प्रधानमंत्री के होते हुए भी एक व्यक्ति जो है इतना वोट ले गया। बस इन उपलब्धि से प्रधानमंत्री को दिक्कत है, परेशानी है, जिस वजह से ये पूरी घटना सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट में बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा जो विपक्षी दल के नेता है उनको नॉमिनेशन दर्ज नहीं करवाया जा रहा है। श्याम रंगीला साहब कहते हैं कि हम 10 मई से लेकर के 14 मई तक लगातार 4 दिन तक संघर्ष करते हैं कि वाराणसी के लोकसभा सीट से हम अपना नॉमिनेशन दर्ज करवा पाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन मुझे पूरी बात नहीं कहता है। अंत में 13 मई को हमें भरोसा होता है कि भाई हमारा नॉमिनेशन दर्ज करवा लिया जाएगा, लेकिन 14 मई जैसे ही आता है इलेक्शन कमीशन कह देता है कि भाई आपका नॉमिनेशन रद्द किया जाता है क्योंकि आपने अपना शपथ नहीं लिया है। श्याम रंगीला कहते हैं कि शपथ के बारे में कोई बात ही नहीं बताई गई। अब हमको अगर नॉमिनेशन दर्ज करना है तो A to Z इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन हमें देगा कि नहीं देगा? और अगर शपथ की ही बात है तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कारण के साथ क्यों नॉमिनेशन रद्द करवाया जा रहा है? श्याम रंगीला साहब कहते हैं कि शाम के 3 बजे तक अंतिम समय होता है नॉमिनेशन दर्ज करने का,
तीन जैसे ही बजने वाले होते हैं बहुत सारे पुलिस वाले और बहुत से बीजेपी कार्यकर्ता हमारी उस नॉमिनेशन दर्ज करवाने वाले लाइन में आ जाते हैं और इतना भीड़ कर देते हैं कि लोग इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुस ही नहीं पाए, और जब दफ्तर में घुस ही नहीं पाएंगे तो नॉमिनेशन दर्ज कैसे करेंगे। ये 10 से लेकर के 14 मई तक मुझे भी इतना समय इसीलिए लगा क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता इतना भीड़ कर देते हैं कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में ही हम लोग नहीं घुस पा रहे, अब दफ्तर में नहीं घुस पाएंगे तो नॉमिनेशन कैसे दर्ज करेंगे। या यही है देश का लोकतंत्र? अरे मोदी साहब, आपको कोई नहीं हरा सकता मानते हैं तो डर किस बात का, इन छोटे छोटे पिंदों से क्यों डरना। अब अगर मोदी साहब को इनसे भी डर लग रहा है तो वीडियो का टाइटल बिल्कुल सही है, डिक्टेटर का डर। चौथी घटना मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट की है। इस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ से एक प्रत्याशी खड़े होते हैं अक्षय कांति बम, और इनके अपोजिट में बीजेपी की तरफ से शंकर लालवानी साहब खड़े होते हैं। अब जब ये नॉमिनेशन अपना दर्ज करते हैं इंदौर लोकसभा सीट से, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन नॉमिनेशन रद्द करवाने की जो नॉमिनेशन वापस लेने की जो अंतिम तारीख थी, ठीक उसी दिन शाम को 3 बजे से जस्ट पहले बीजेपी के लीडर सभी लोगों के साथ गाड़ी में बैठ करके आराम से पैसा वैसा लेकर के आराम से पॉकेट वॉकेट भर करके, ये जो अक्षय कांति बम था ये बीजेपी के नेताओं के साथ इलेक्शन कमीशन जाता है। इलेक्शन कमीशन जाने के बाद ठीक नॉमिनेशन वापस लेने का जो अंतिम डेट होता है उसी दिन शाम को जा करके ये अपना नॉमिनेशन वापस ले लेता है और तुरंत बीजेपी में शामिल हो जाता है। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को ये छल पूर्वक जो है धोखा देता है। ऐसा ये इसीलिए करता है क्योंकि कांग्रेस इस सीट पर किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा ना कर सके। अब जाहिर सा बात है कि नॉमिनेशन दर्ज करने की आखिरी तारीख है और आखिरी दिन ही उन्होंने अपना नाम वापस कर लिया। अब कांग्रेस के पास वक्त ही नहीं बचा तो उस सीट पर वो किसे अल्टरनेटिव के रूप में खड़ा करेगी, और इस तरीके से छल पूर्वक एक लोकसभा सीट को पूरी तरीके से बीजेपी को दिया जा रहा है। इस पर देश की सुप्रीम कोर्ट को, देश के हमारे न्यायालय को इस पर कड़े निर्देश दिए जाने चाहिए कि जिसने अपना नॉमिनेशन फिल कर लिया वो वापस नहीं ले सकता है। अरे क्यों वापस लेना है? नॉमिनेशन जिसने दर्ज कर लिया वापस नहीं होना चाहिए, ये नियम, ये प्रावधान होने चाहिए। क्यों नहीं आप नॉमिनेशन वापस कर रहे? आपने दर्ज कर दिया, अरे आप हार रहे, आप घर में सोए हुए रहो, आप प्रचार प्रसार मत करो, आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो नॉमिनेशन दर्ज करके वापस नहीं लिया जाना चाहिए। ये बहुत ही गंदा नियम है, इस नियम को सुप्रीम कोर्ट को बंद करना चाहिए। और जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर छल पूर्वक जिस तरीके से षड्यंत्र के साथ विपक्ष के नेताओं के नॉमिनेशन रद्द किए हैं, उन्हें देश के सर्वोच्च न्यायालय, देश के न्यायालय को इन सभी चीजों को देखना चाहिए और उन सभी लोकसभा सीटों पर दोबारा से इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और बेईमानी को तो आप लोगों ने देख लिया, अब डिक्टेटर का डर को देखिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। अपनी तानाशाही की कहानी में उत्तर प्रदेश का रायबरेली सामने आता है। रायबरेली भी एक चर्चित सीट है जहां पर कांग्रेस के राहुल गांधी साहब खड़े हैं, यह भी काफी पॉपुलर सीट है। आज से कुछ दिनों पहले देश के गृह मंत्री रायबरेली जाते हैं चुनावी यात्रा में, और वो अपने कैंडिडेट का, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का प्रचार प्रसार करने के लिए वहां पर निकले थे। वहां पर एक पत्रकार साहब आते हैं, राघव त्रिवेदी, जो मॉलिटिक्स नामक एक न्यूज चैनल पे काम करते हैं। ये जो राघव त्रिवेदी है वहां की औरतों का इंटरव्यू लेते हैं और वहां पर पूछते हैं कि आपको यहां पर इस चुनावी सभा में आने के लिए कितने पैसे मिले हैं। तो वहां पर महिलाएं कहती है कि हमें 100-100 रुपये दिए जाएंगे इस चुनाव में आने के लिए। जो हमारा गांव का प्रधान है, प्रधान कहने का मतलब मुखिया है, वो हमें लेकर के आए हैं बसों में बिठा करके, और कहा गया है कि 100-100 रुपये हमें दिया जाएगा। ये मीडिया में, ये पूरे भरे कैमरे में ये इस चीज को कैप्चर कर लेते हैं, और अपने इंटरव्यू के दौरान जब लोगों से बातचीत करते हैं तो बीजेपी के इनके कार्यकर्ता इन्हें मिलते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता के सामने ये बोलते हैं। जब पत्रकार राघव त्रिवेदी कहते हैं कि यहां पर महिलाएं जो है 100-100 रुपये करके महिलाओं को दे करके बुलाया गया है, तब ये बीजेपी के अंधभक्त, बीजेपी के ये जो कार्यकर्ता है, ये गुस्से में लाल हो जाते हैं और राघव त्रिवेदी को पकड़ करके पीटना शुरू कर देते हैं। राघव त्रिवेदी को जब पीटा जा रहा था, इन्हें पुलिस के सामने, ये पुलिस के सामने चले जाते हैं बचने के लिए, गिड़गिड़ाते हैं कि भाई हमें मत मारो, पुलिस के सामने खड़े हो जाते हैं। रायबरेली पुलिस के सामने ये खड़े हो जाते हैं और वहां पे बोलते हैं कि देखिए हमको मारने की कोशिश की जा रही है, ऐसी ऐसी बातें हैं, पुलिस के सामने बातें होती हैं। लेकिन आप सोचने वाली बात है कि रायबरेली की जो पुलिस प्रशासन है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, वो पुलिस इनको कुछ नहीं करती है, उन लोगों को चुपचाप इसके साथ बदसलूकी वो कर रहे थे, इसको धकेल रहे थे, इसको मार रहे थे, पीट रहे थे, बंद एक कमरे में ले जा करके इसको खूब पीटे हैं, और पीटने के बाद फिर कमरा लॉक भी कर दिया है, वापस ये बेहोश हो जाता है बेचारा, इसकी आँख खुलती है अस्पताल में। पुलिस प्रशासन के सामने एक पत्रकार को पीट दिया गया और पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक पत्रकार अगर सच दिखाए तो उसे पीट देना है,
क्या यही लोकतंत्र है? अगर आपको लग रहा होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप पहले इस पूरे वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू करो। पैसा ऐसा मिलने की बात भाई, मिली है कि नहीं मिली है? देखो कहा तो है भैया मिलेगा, हम नहीं जाने मिले कितना दिए। कुछ तो बोले हुए 100, 200, 300 कितने मिल रहे पर पर्सन? सब तो 100-100 मिल रहे। और अमित शाह का जानती हो? नहीं। अमित शाह का नहीं जानती हो? वो नहीं का तो सुना नहीं हो? तो दिनेश सिंह आए बोले थे हैं 100 रुपया मिली है, और ये लोग तो कह रहे 300 रुपया मिल रहे। अरे भैया भाई मुँह देखे तुम्हें 100 मिल रहे हैं। चलो ठीक, लेकिन पहले भी मैंने जैसे आपको बताया कि दूर दूर ग्रामीण इलाकों से लोग और महिलाएं आई हैं, उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है, कुछ लोगों को प्रति व्यक्ति 100 रुपए भी दिए गए, जिसमें कोई बुराई नहीं है। ये नहीं, ये गलत बात है, जिसमें कोई बुराई नहीं। चैनल वाले या कांग्रेसी? पहले तो अब यकीन हो गया, ये मेरे पीछे राघव त्रिवेदी की तस्वीर लगी हुई है जो अस्पताल में भर्ती है। ये पूरी तरीके से जख्मी हो गया है, बीजेपी कार्यकर्ता ने इसे इतना मारा है कि इसका पूरा शरीर पूरा दर्द कर रहा है, शरीर इसका पूरा फूल गया है जगह जगह से। एक सच्चा पत्रकार जो सत्यता दिखा रहा था, जो सच दिखा रहा था, तो सच दिखाने का सजा यहां पर यह मिलती है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारिता कर रहे हैं, दिन भर उनकी खबरें दिखा रहे हैं, गोदी मीडिया का काम अगर कर रहे हैं तो आपको अवार्ड्स मिलेंगे। लेकिन अगर एक सच्चा पत्रकार देश की नेशनल इश्यूज को दिखाए, सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ अपना काम करे, अपने पत्रकारिता करे, तो उन्हें अंधभक्तों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पीटा जाता है, मारा जाता है। अरे मारना तो उन्हें चाहिए जो चोरी करते हैं, बेमानी करते हैं, उन बेमानों को मारना सीखो। आज 500-500 रुपए लेकर के जिनके लिए तुम नारा लगा रहे हो ना, कल तुम्हारा ही घर वो उजाड़ेंगे, इस बात को याद रखना। नफरत फैलाने वाली ये जो राजनीति है ना, ये सबसे गंदी है। आज ये दूसरे के घर में नफरत फैला रही है, कल ये तुम्हारे घर में नफरत फैलाएगी, इस बात को याद रखना। देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से, नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन 10 सालों से प्रधानमंत्री होने के बाद भी आपको पता है मंगलसूत्र के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र ये लोग ले लेंगे, गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम वोट मांगने के लिए हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, इस वीडियो में देखिए। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तरह प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर हम वोट नहीं मांगते हैं, वहीं ठीक इस स्टेटमेंट के अगले ही दिन हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है। 10 साल प्रधानमंत्री होने के बाद भी
देश के प्रधानमंत्री के पास मुद्दा ही नहीं है कि वो किस मुद्दे पर वोट मांगे, क्या उन्होंने ऐसा किया है कि जिसके लिए वो वोट मांगे, बस नफरत बस नफरत बस नफरत। देश में एक समय ऐसा विपक्ष और सत्ताधारी पार्टियां हुआ करती थी जब एक दूसरे को इतने प्यार के साथ चुनाव लड़ते थे, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष भी करते थे, लेकिन ईमानदारी पूर्वक प्रेम से चुनाव लड़ा करते थे। और अभी बस नफरत की राजनीति हो रही है। विपक्षी पार्टियों को जेल में डाल दो, विपक्षी पार्टियों के बैंक अकाउंट को सीज कर दो, विपक्षी पार्टियों के नॉमिनेशन को रद्द करवा दो, विपक्षी पार्टियों को खरीद लो और अपनी टीम में शामिल कर लो, इस तरीके से यहां पर राजनीति हो रही है। क्या यह देश का लोकतंत्र सही है? क्या देश के तानाशाह को डिक्टेटर कहना सही है कि नहीं है? और देश के डिक्टेटर का डर भी आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा। प्रधानमंत्री साहब, राम मंदिर के नाम पर इन्होंने कहा कि हम वोट नहीं मांगेंगे। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये मेरा बयान नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है। आपने बोला इस पे। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। आप एक तरफ बोलते हैं कि हम धर्म के नाम पे राजनीति करना गलत बात है और दूसरी तरफ हर जगह एक ही गाना बज रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्यों उनको लाएंगे? तानाशाही करने के लिए। प्रभु श्री राम क्या कहते थे? प्रभु श्री राम की डेफिनेशन बताओ। प्रभु श्री राम के शून्य के बराबर भी नहीं है आप। वो प्रभु श्री राम जो अपनी नफरत करने वाली मां के एक स्टेटमेंट के कारण, उनकी एक इच्छा के कारण वनवास पर चले गए। वो प्रभु श्री राम जिन्होंने संसार को प्रेम के बारे में सिखाया कि कैसे नफरत पर प्रेम से विजय प्राप्त किया जाता है। और आप बोलते हैं कि आप राम के लक्षण हैं आपके अंदर। राम के नारे लगाने से राम के लक्षण नहीं होते साहब। राम का काम करना होता है और राम का काम है नफरत को खत्म करना, प्रेम से बात करना। ये प्रेम का संसार है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का खून बहा है इस देश की स्वतंत्रता में और इन सभी का हक है कि इस देश में भाईचारे के साथ, ईमानदारी के साथ, कंधे से कंधे मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर के एक साथ चले, एक साथ आगे बढ़े। देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, कभी हिंदू खतरे में नहीं था। इनका कहना है कि हिंदू खतरे में है। खतरा आपकी कुर्सी पर है। हिंदू कभी भी खतरे में नहीं रहा है। और आपने एक बात सुनी होगी कि महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो मुसलमान थे और अकबर का जो सेनापति था वो एक हिंदू था। तो अगर हिंदू खतरे में होता तो कभी भी मुसलमान के दरबार में और हिंदू के दरबार में हिंदू और मुसलमान सेनापति नहीं होता। खतरा सिर्फ है तो इन नेताओं को अपनी कुर्सी का, जिस वजह से आपको भाई को भाई से लड़ा देंगे, पिता को बेटे से लड़ा देंगे, हर किसी को लड़ा देंगे ये अपने कुर्सी के लिए। तो जागो भारत, जागो और अंधभक्त नहीं देशभक्त बनो, यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। इन्हीं सभी बातों के साथ आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं। आशा करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने 10 दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम लोग बातें करते रहेंगे और हर एक अन्याय के खिलाफ आवाज तब तक उठाते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता और हमारा राष्ट्र फेक हिंदुत्व को ना दिखा करके असली राष्ट्रभक्ति, असली हिंदू कहलाने लगे, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।